ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होना शुरू हो गया है जो कि अप्लाई करने जा रहे हैं उन सभी के लिए। यहाँ पर जो सीटीईटी परीक्षा पास है ऐसे में अभ्यर्थी वो जूनियर हेतु आवेदन नहीं कर सकते अगर आप पेपर टू में भी पास है तो। उसके पीछे कारण क्या है उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आप यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा हूँ जो कि आपका फर्स्ट पेज होगा जब आप अप्लाई करते हो। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म जो है आपका पहला पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग कोर्स पास। मान लीजिए आपने डीएलएड या बीटीसी किया हुआ है, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है यूपीटेट अपर प्राइमरी लेवल और दूसरा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है सीटेट अपर प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर सीटेट परीक्षा में वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने अभी अभी जस्ट जो आपका सीटेट हुआ है 31 जनवरी 2021 को वो पास किया हुआ है। अगर आपने वो पास किया हुआ है जूनियर तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके पीछे कारण एक ही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट पासिंग ईयर रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर मार्कशीट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा मार्कशीट नंबर, क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी सीटेट की जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में आई नहीं है। जब तक मार्कशीट डिजी लॉकर ऐप में आएगी नहीं तब तक आपको मार्कशीट नंबर पता नहीं लगेगा, और अगर मार्कशीट नंबर आपको पता नहीं लगता तो आप यहाँ पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन है वो आपको प्रोसीड नहीं करने देगा जब तक कि आप मार्कशीट नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करते हैं। इसके पहले अगर आपने सीटेट या यूपीटेट की परीक्षा पास की हुई है तो आपके पास में मार्कशीट नंबर होगा, वो मार्कशीट नंबर आप एंटर करिएगा फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये वाला जिन्होंने अभी पेपर दिया है पास किया हुआ है वो इस फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी इसमें निराश होने की बिल्कुल से जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अभी लगभग एक महीने तक आपका ये फॉर्म चलेगा। डेट भले ही आपका कम दिया हो ऐसे में समय, लेकिन एक महीने तक लगभग आपका ये फॉर्म चलेगा अभी। और इसी में इसी दरमियान आपका जो रिजल्ट है सीटेट जनवरी 2021 का वो आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा। रिजल्ट डिजी लॉकर में आएगा तो आपको मार्कशीट नंबर मिल जाएगा, फिर आप फॉर्म को फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स।